अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना जा रहे हैं मसाला भुर्जी, जिसके लिए मैंने एक एग लिया, उसमें बारीक बारीक मिर्ची डाल दिया है और सॉल्ट टू टेस्ट। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे कि इसमें नमक अच्छी तरीके मिक्स हो जाए। ये मैंने 3 मीडियम ऑनियन लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और एक टमाटो लिया है मीडियम साइज़ का, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे हम हमारे एग को। देखिए हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें हम हमारी अनियन ऐड कर देंगे। तो अनियन को हम अच्छे से सॉटे करेंगे, एकदम लाल नहीं करेंगे, अनियन को अच्छे से सॉटे करेंगे, अच्छे से मतलब गुलाबी जैसी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरीके से, जो मुंह में उसका कच्चापन है और जो क्रंचीपन है वो नहीं आए। तो ये मसाला भुर्जी में हम बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे अनियन, जिसमें उसका क्रंचीनेस नहीं है, उसका सॉफ्टनेस आए। देखिए हमारी अनियन अच्छे से हल्की हल्की सी गुलाबी हो गई है। तो हम इसको थोड़ा चलाएंगे। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो, कम में भी बना सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। तो देखिए मैंने अब इसमें हमारा टमाटो ऐड कर दिया है, तो अब हम टमाटो के साथ इसको अच्छे से थोड़ी देर और पकने देंगे। हल्दी अकॉर्डिंग टू यू, हल्दी आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि वो कलर के लिए यूज़ होती है, खाली कलर अच्छा दिखने के लिए हम हल्दी डालते हैं कि हमारा जो डिश है वो अच्छी दिखे। तो देखिए अच्छे से इसको हम मिक्सअप कर लेंगे, हल्दी को, टमाटर को, अनियन को, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हल्दी का कच्चापन निकल जाए। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया हमारा टमाटो भी, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, और इसमें थोड़ी सी मैंने कोथमीर ऐड करी, बारीक चॉप करी हुई। तो देखिए अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छी तरीके से, अनियन के साथ, टमाटो के साथ, और 2 मिनट इसको पकने देंगे। फिर 2 मिनट के बाद हम इसको इसमें एग को ऐड करेंगे। तो देखिए हमने अपने एग को इसमें ऐड कर दिया है। तो 2 मिनट तक हम बिल्कुल भी इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद हम इसको चलाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए नीचे जब पकने लग गया तो वाइट वाइट हो गया, साइड से जो एग वाइट वाइट हो गया, यानी नीचे हमारा एग अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे और मिक्सअप करेंगे एक दूसरे से। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, एकदम ऐसा मिक्स करेंगे एकदम दानेदार दिखना चाहिए हमारी जो मसाला भुर्जी ने, एकदम दानेदार, जो मशीन का कीमा कैसे अलग अलग दानेदार मिल दिखता है, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ दिखेगा ये। तो इसलिए इसको नीचे लगने नहीं देंगे, कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और चम्मच से इसको मैश करते रहेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत ही गजब की और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये मेरी मसाला भुर्जी। तो आप भी ट्राई करना, मुझे ज़रूर बताना आपको अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस वो भी मेरा इजी यूनिक बाइट चैनल है। तो देखिए हम इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप हो गई है, तो हम इसको 2 मिनट ऐसी तवे पे पकने देंगे। देखिए और फिर इसमें मैंने और थोड़ा सा कोथमीर ऐड किया है, तो आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखिए मज़े की हमारी रेडी हो गई है, सिर्फ 2 मिनट और इसको तवे पे रखेंगे कि अच्छे से भुन जाए, अच्छे से सब एक दूसरे से कंबाइन हो जाए और टेस्ट एकदम इन्हेंस हो जाए सब चीज़ों का। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया, तो मैं इसको टिफ़िन में पैक कर दी हूँ मैंने इसको अभी। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना यम्मी और कितना टेस्टी दिख रहा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।